नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स मास्टर पे। दोस्तों इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने 3 चैप्टर तक का ऑब्जेक्टिव कर लिया था। ओके, आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 और 5 के ऑब्जेक्टिव की। तो चैप्टर नंबर 4 आपका मांग के नियम है और चैप्टर नंबर 5 आपका मांग की लोच है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है इसलिए मैंने दोनों को साथ रखा है। तो चलिए आप जानते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर को मिस मत कीजिएगा। काफ़ी सारे प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 54 प्रश्न तक किए था, आज हमका 55वां प्रश्न है। क्या कहता है 55 प्रश्न? मांग वक्र का सामान्यतः ढाल होता है, यानी कि मांग वक्र का ढाल होता है कैसा होता है ये बताना है आपको। आपके ऑप्शन है बाएँ से दाएँ ऊपर की ओर होता है, सेकेंड है बाएँ से दाएँ नीचे की ओर होता है, थर्ड है एक्स अक्ष के समानांतर होता है, फोर्थ आपका लंबवत होता है। तो मांग वक्र की बात हो रही है तो मांग वक्र का जो ढाल होता है दोस्तों वो आपका बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जनरली जो भी वक्र होता है ज़्यादातर क्या होता है आपका बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है ज़्यादातर। ठीक है, तो मांग वक्र का ढाल भी होता है बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। ओके, नेक्स्ट आपका है मांग का नियम है, यानी कि यहाँ पर दिया गया है मांग का नियम कैसा है। आपके ऑप्शन के अनुसार है गुणात्मक कथन है, मात्रात्मक कथन है, थर्ड आपका ए और बी दोनों हैं और फोर्थ यहाँ पे नहीं, इसका मतलब क्या इसमें होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दीज मान लीजिए। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों बात हो रही है मांग के नियम की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों जैसे ही नियम की बात करें, ठीक है, तो समझ जाइए इसका आंसर गुणात्मक होगा। ठीक है, मांग का नियम रहेगा तो आंसर गुणात्मक कथन कहलाएगा, वही अगर मांग की नियम की जगह पे लोच रहता। ठीक है, क्या रहता मांग का लोच कैसा है या क्या है तो इसका आंसर मात्रात्मक कथन होता है। ठीक है, तो मांग का नियम दिया गया है तो मांग का नियम गुणात्मक कथन, मांग का लोच रहता तो वह मात्रात्मक कथन हो जाता। ठीक है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट गुणात्मक कथन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आपका है किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, क्या कह रहा है किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है? आपके ऑप्शंस है अनिवार्य वस्तुएं, आरामदायक वस्तुएं, विलासिता वस्तुएं या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनिवार्य वस्तुएं। ठीक है, नेसेसरी गुड इसका राइट आंसर होगा। क्या कह रहा है कि जब वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो उसके मांग में वृद्धि नहीं होता है, ये अनिवार्य वस्तु के साथ होता है। ठीक है, अनिवार्य वस्तु चाहे उसके मांग बढ़े या सॉरी कीमत बढ़े या घटे इससे उसके वृद्धि पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके मांग पर ज़्यादातर प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? ठीक है, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है पूरक वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, आरामदायक वस्तुएं या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वे वस्तुएं जो एक दूसरे के बदले में प्रयोग की जाती है वो आपका स्थानापन्न वस्तु कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका है मांग फलन को निम्न में से कौन सा समीकरण व्यक्त करता है, यानी कि नीचे समीकरण दिया गया है तो इसमें से कौन सा मांग फलन का समीकरण है ये बताना है आपको। आपके ऑप्शन है पी एक्स, सेकेंड है डी एक्स बराबर पी एक्स, थर्ड है डी एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू पी एक्स। ठीक है, या फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मांग फलन का जो समीकरण होता है वो आपका, ठीक है, डी एक्स बराबर एफ इंटू पी एक्स होता है, ये इसका मांग फलन का समीकरण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मांग फलन का समीकरण क्या होगा? डी एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू पी एक्स होगा। नेक्स्ट आपका है कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या कह रहा है कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताना है। बढ़ता है कि घटता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कॉफ़ी और चाय किस तरह की वस्तु है? तो ये स्थानापन्न वस्तु है। ठीक है, यानी स्थानापन्न वस्तु की मूल्य में अगर वृद्धि होती है तो दूसरा वस्तु का मांग क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉफ़ी की मूल्य बढ़ गया है तो चाय का मांग बढ़ जाएगा,
ठीक है, वही अगर चाय की कीमत बढ़ जाता तो वह कॉफ़ी की मांग बढ़ जाता, उल्टा हो जाता है दोनों के साथ। ठीक है, और ये किस प्रकार की वस्तु है, तो ये आपका स्थानापन्न वस्तु है। ठीक है, यानी कि एक के बदले में दूसरा वस्तु इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉफ़ी के जगह पे चाय का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉफ़ी का दाम बढ़ गया है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, बढ़ेगा, चाय की मांग बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, मांग में संकुचन तब होता है जब, ठीक है, आपके ऑप्शन है कीमत बढ़ती है और मांग घटती है, सेकेंड ऑप्शन है कीमत बढ़ती है और मांग भी बढ़ती है, थर्ड है कीमत स्थिर रहती है और मांग घटती है, चौथा है कीमत घटती है लेकिन मांग स्थिर रहती है। तो दोस्तों मांग में संकुचन तब होगा जब कीमत बढ़ेगा और मांग घटेगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मांग संकुचन कब होता है, जब कीमत बढ़ता है और मांग घटती है, इस स्थिति को हम बोलते हैं मांग में संकुचन कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका है, निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है। आपके ऑप्शंस है मूल्य में परिवर्तन, आय में परिवर्तन, रुचि तथा फैशन में परिवर्तन, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, इनमें से कोई नहीं। क्यों, चलिए समझते हैं क्या कह रहा है कि किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ नहीं लगा दिया है, तो जैसे ही मूल्य में परिवर्तन होगा तो मांग में परिवर्तन आएगा, आय में परिवर्तन होगा तो भी मांग में परिवर्तन आएगा, और रुचि में परिवर्तन या फैशन में परिवर्तन आएगा तो भी मांग में परिवर्तन होगा, लेकिन यहाँ बात किया है नहीं होगा, यानी इसलिए ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सारे का ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला आपका है, मूल्य में वृद्धि से गिफन वस्तुओं की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये बताना है आपको कि मूल्य में वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग में क्या होगा, मांग बढ़ जाती है, सेकेंड है मांग घट जाती है, थर्ड है मांग स्थिर रहती है, या फोर्थ है मांग अस्थिर हो जाती है। तो दोस्तों गिफिन वस्तुएं किस तरह की वस्तु होती हैं, तो वे वस्तु होती है जिसका क्या होता है, आय बढ़ने से मांग, सॉरी आय कहते हैं कीमत बढ़ने से मांग बढ़ जाता है। ठीक है, गिफिन वस्तुएं पे मांग का नियम लागू नहीं होता है, इसमें क्या होता है कीमत बढ़ता है तो इसकी मांग और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मांग बढ़ जाती है। ठीक है, मूल्य में वृद्धि होगी तो गिफिन वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका है, किसी सामान्य वस्तु की मांग वक्र की ढाल होती है। ठीक है, किसी सामान्य वस्तु की मांग वक्र की ढाल कैसी होती है बताना है। ऑप्शन है ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, शून्य होता है या अपरिभाषित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऋणात्मक होती है। ठीक है, सामान्य वस्तु की मांग वक्र का ढाल क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यानी कि बाएं से दाएं नीचे की ओर जाएगा, इसको ऋणात्मक बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है। ठीक है, आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है यानी कि कम कर देता है। आपके ऑप्शंस है निम्न कोटि की वस्तुएं, सेकेंड है सामान्य वस्तुएं, थर्ड है गिफिन वस्तुएं, और फोर्थ है ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, गिफिन वस्तुएं। ठीक है, क्या होता है जब आय बढ़ता है यानी कि उपभोक्ता की इनकम बढ़ेगा तो क्या करेगा, गिफिन वस्तुओं की मांग कम कर देता है। ठीक है, और इसी में अगर पूछता क्या कि मूल्य वृद्धि, यहाँ पे देखिए आय में वृद्धि किया, ध्यान समझिएगा दोनों क्वेश्चन, वहाँ क्या था मूल्य वृद्धि था। ठीक है, कीमत बढ़ेगा तो ये गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, लेकिन उपभोक्ता की आय बढ़ने से क्या होती है, गिफिन वस्तुओं की मांग घट जाती है। याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत कीजिएगा, आय बढ़ने पर गिफिन वस्तु की मांग क्या होगी, घटेगी यानी कि कम होगी। ठीक है, वही अगर कीमत बढ़ता है तो गिफिन वस्तु की मांग बढ़ जाती है, ये आपको रखना है याद, कन्फ्यूज मत होइएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपका है, मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है। ठीक है, मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है, आपके ऑप्शन है वस्तु की इच्छा। ठीक है, यहाँ पे आपको दे सकता है दोस्तों क्या कि उपभोक्ता की रुचि भी दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे उपभोक्ता की रुचि भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड है एक निश्चित मूल्य, थर्ड है साधन व्यय करने की तत्परता, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्यों होगा, चलिए समझते हैं क्या बोला है। मांग, हम किसी वस्तु की मांग कब करेंगे, जब हमको इच्छा होगी। ठीक है, यानी कि उपभोक्ता हम है मान लीजिए, तो हमारी इच्छा है किसी वस्तु को खरीदने की, तभी हम वस्तु की मांग करेंगे। ठीक है,
फिर क्या होगा, अगर कीमत उसका होना चाहिए किसी वस्तु की, क्या है, एक निश्चित कीमत होगी तभी मांग करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी वस्तु का कोई कीमत मांग लेगा, ठीक है, तो निश्चित मूल्य होना चाहिए, यह भी सही है। और हमें क्या है, पैसा खर्च करने की इच्छा होनी चाहिए, यानी कि हम तैयार है पैसा खर्च करने के लिए, तभी हम मांग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो यह तीनों क्या है, तत्व होना आवश्यक है मांग में, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, जब एक्स वस्तु की कीमत का परिवर्तन वाई वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तो यह मांग कहलाती है। क्या कह रहा है, जब एक्स वस्तु की कीमत का परिवर्तन वाई वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तो यह क्या कहलाता है, तो आपके ऑप्शन हैं कीमत मांग, आय मांग, तिरछी मांग या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अगर एक वस्तु के कीमत परिवर्तन में वाई वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तो यह मांग आपका क्या कहलाएगा, कीमत मांग भी कहलाएगा, आय मांग भी कहलाएगा और तिरछी मांग भी कहलाता है। ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, क्लियर है। नेक्स्ट आपका है, मांग में परिवर्तन कारण निम्न में से कौन सा कारण है, ठीक है, मांग में परिवर्तन क्यों होता है ये बताना है आपको। आपके ऑप्शन है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, सेकेंड है वस्तु की कीमत में परिवर्तन, थर्ड है जनसंख्या वृद्धि और फोर्थ है इनमें से सभी। तो मांग में परिवर्तन की बात किया है तो यहाँ पे अगर आय में परिवर्तन होगा तो मांग में परिवर्तन होगा, बिल्कुल सही बात है। वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा तो भी मांग में परिवर्तन होगा, ठीक है, और जनसंख्या बढ़ेगा और घटेगा तो भी मांग में क्या होगा, परिवर्तन होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी क्या है इसके कारण हो सकते हैं मांग में परिवर्तन के, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग वक्र खिसक जाता है, ठीक है, क्या कह रहा है, पेट्रोल की कीमत बढ़ गया है तो उसका मांग वक्र खिसकेगा, किधर खिसकेगा, दाएं तरफ खिसकेगा, ऊपर की ओर खिसकेगा या बाएं तरफ खिसकेगा या नीचे की ओर खिसकेगा। तो दोस्तों यहाँ बात हो रही है पेट्रोल की कीमत बढ़ने की, ठीक है, जैसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ेगा तो क्या होगा, कार वगैरह बिकनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिक्री कम हो जाएगी, बाइक की बिक्री कम हो जाएगी, कार की बिक्री क्या होगी, कम हो जाएगी, तो क्या होगा, मांग वक्र बाईं ओर खिसकेगा, ठीक है, बाईं तरफ खिसक जाएगा मांग वक्र। वही अगर कार की कीमत बढ़ेगी तो दाएं तरफ जाएगा और कार की कीमत घटेगी तो बाईं तरफ आएगा। तो कीमत बढ़ गया है तो कार की कीमत क्या होगी, कम होगा, लोग कम कार खरीदेंगे क्योंकि तेल महंगा हो गया है, आजकल देख रहे हैं तेल महंगा है तो लोग बाइक कम चलाता है, ठीक है। तो वही कारण यहाँ भी होगा कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो बिक्री का गाड़ी की बिक्री कम हो जाती है, तो बिक्री कम हो गई तो मांग जो वक्र है वो आपका लोग कम डिमांड करेंगे, ठीक है, अगर कम डिमांड होगा तो मांग वक्र बाईं ओर खिसकेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा बाईं ओर, मांग कम होता है तो बाईं ओर और मांग ज़्यादा होता है तो दाईं ओर, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से है, ठीक है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। आपके ऑप्शन हैं कीमत, आय में परिवर्तन, उपभोक्ता की रुचि और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी, ठीक है। कीमत भी क्या करता है, मांग को प्रभावित करता है, आय भी क्या करता है, मांग को प्रभावित करता है और रुचि भी मांग को प्रभावित करता है, इसलिए उपयुक्त सभी इसका कारण होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका है, मांग की लोच को मापने का सूत्र निम्न में से कौन सा है, ठीक है दोस्तों, मांग की लोच मापने का सूत्र निम्न में से कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, सेकेंड है कीमत में अनुपातिक परिवर्तन बटा मांग में अनुपातिक परिवर्तन, थर्ड है मांग में परिवर्तन बटा कीमत में परिवर्तन, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मांग की लोच की जो विधि है वो आपका मांग मात्रा परिवर्तन, ठीक है, मांग में या मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, यह मांग की लोच का सूत्र है, ओके, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लिखते हैं कैसे, डेल्टा, ठीक है, क्यू अपॉन डेल्टा पी लिखते हैं, ठीक है, ये क्यू मतलब क्वांटिटी है, मांग की मात्रा है और ये प्राइस है, ठीक है, ये भी फार्मूला है और ये भी आपका फार्मूला है, ये क्या है, समीकरण के रूप में है, ये आपका वर्ष संख्या अभी शब्दों के रूप में है, ठीक है। तो क्या है, मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, ये आपका होता है मांग के लोच की सूत्र, क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला आपका है, गिफिन वस्तुओं की कीमत मांग की लोच होती है, कैसी होती है, गिफिन वस्तुओं की कीमत मांग की लोच कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, शून्य होती है कि इनमें से कोई नहीं। तो
दोस्तों हमने क्या बताया है कि गिफिन वस्तु वे वस्तु होती है जिसके कीमत बढ़ने पर क्या होती है, मांग बढ़ जाती है। ठीक है, अगर गिफिन वस्तुओं की कीमत बढ़ती है तो उसका मांग भी बढ़ता है। तो जब मांग बढ़ गया कीमत बढ़ने से तो यह हो गया धनात्मक हो जाता है। ठीक है, कीमत बढ़ेगा मांग बढ़ेगा तो यह कैसा संबंध है, धनात्मक है, यानी इसकी मांग की लोच क्या है, धनात्मक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मांग की लोच की माप निम्न में से किस विधि से किया जाता है, यानी कि मांग की लोच कैसे निकालते हैं ये बताना है, आप किस विधि से निकालते हैं। तो आपके ऑप्शन है कुल व्यय रीति, सेकेंड है प्रतिशत या अनुपातिक रीति, थर्ड है बिंदु रीति और फोर्थ है उपयोग सभी। दोस्तों रीति मतलब विधि भी होता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, तो मांग की लोच निकालने की ये सारे विधि है, यानी ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उपयोग सभी विधि से मांग की लोच निकाली जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका है मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है दोस्तों, मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति यानी कि अनुपातिक विधि का प्रतिपादन किसने किया है, तो आपके ऑप्शन है मार्शल ने, फ्लक्स ने, हिक्स ने या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मांग की लोच मापने की जो प्रतिशत विधि है यानी कि अनुपातिक विधि है उसको दिया था किसने, फ्लक्स ने प्रतिपादन किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्लक्स होगा, इंग्लिश में इस तरह के लिखाता है फ्लक्स। ठीक है, तो ये फ्लक्स ने ही प्रतिशत विधि दिया है मांग की लोच की। ओके, नेक्स्ट आपका है मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन से है। ठीक है दोस्तों, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, आपके ऑप्शन हैं वस्तु की प्रकृति, कीमत स्तर, आय स्तर या इनमें से सभी। तो दोस्तों जो आपका मांग को प्रभावित करेगा वही उसके मांग के लोच को भी प्रभावित करेगा। ठीक है, तो वस्तु की प्रकृति भी क्या करती है, मांग की लोच को प्रभावित करती है, कीमत स्तर प्रभावित करेगा ही करेगा, आय स्तर प्रभावित करेगा ही करेगा, यानी इनमें से सभी क्या है, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक है, कारक है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका है मांग की लोच कितने प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, आपके ऑप्शन है 3, 5, 4 या 6। तो दोस्तों मांग की लोच जो होती है वो 5 प्रकार की होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या होता है, लोचदार होता है, पूर्णतः लोचदार होता है, बिलोचदार होता है, पूर्णतः बिलोचदार होता है और एक होता है आपका शून्य लोचदार होता है। ठीक है, ये कुछ 5 तरह का है आपका मांग की लोच। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट आपका है आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है कैसी होती है, आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होगी, शून्य होती है, असीमित होती है, इकाई से अधिक होती है, इकाई से कम होती है। तो दोस्तों आवश्यक वस्तु की मांग की लोच जो होती है वो आपका शून्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेसेसरी गुड की जो लोच होती है, मांग की लोच, वो आपका शून्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है, यानी कि मांग की कीमत लोच क्या है ये बताना है आपको। आपके ऑप्शन हैं कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, सेकेंड है मांग में परिवर्तन, थर्ड है वास्तविक आय में परिवर्तन, थर्ड है कीमत में परिवर्तन। तो मांग की लोच क्या होता है, तो कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में जो परिवर्तन होता है उसी को हम मांग की लोच या कीमत लोच कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन क्या कहलाएगा, मांग की कीमत लोच कहलाएगा। ओके, अगला प्रश्न आपका है यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% परिवर्तन के कारण मांग में 60% परिवर्तन हो तो मांग की लोच क्या है। ठीक है, यहाँ पे लोच निकालना है, तो क्या है, वस्तु की मूल्य में कितना बढ़ा है, 40% वृद्धि हुई है, मांग कितना बढ़ गया है, 7%। ठीक है, परिवर्तन होता है तो इसकी लोच क्या होगी, तो चलिए ऑप्शन नहीं देखते हैं हम लोग, इसको निकालते हैं। ठीक है, तो निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी। ठीक है, क्यू क्या है, मांग की मात्रा, तो मांग कितना है, 60 है। ठीक है, और प्राइस कितना है, 40 है, 40% बढ़ा है ना, तो दोनों को काट दीजिए तो क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, आपका आएगा 1.5। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, 1.5 आ गया, तो ये आपका माइनस में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ठीक है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, -1.5 मांग की लोच होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या है, मूल्य कम हो गया है और मांग की मात्रा ज़्यादा परेशान हुआ है, तो ये क्या होगा, -1.5 इसका आंसर होगा।
यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका है, एक रजोरेखी मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच क्या होती है? एक रजोरेखी मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी? आपके ऑप्शन है शून्य होगी, इकाई अघ होगी, ठीक है, अनंत होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, एक रजोरेखी मांग वक्र पर मध्य बिंदु पर मांग की लोच इकाई होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इकाई मतलब क्या, एक होती है। ठीक है, मांग की लोच एक होती है, उसी को इकाई बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है और मेरे ख्याल से ये आपका लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का। ठीक है, तो क्या है प्रश्न, विलासिता वस्तुओं की मांग कैसी होती है? ठीक है दोस्तों, तो विलासिता वस्तुओं की मांग कैसी होती है? आपके ऑप्शन है बिलोचदार होती है, ठीक है, थर्ड आपका है, सॉरी सेकेंड आपका है लोचदार होती है, थर्ड आपका है, ठीक है, अत्यधिक लोचदार होती है, और फोर्थ आपका है पूर्णतः लोचदार होती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर थर्ड, अत्यधिक लोचदार होती है। ठीक है, विलासिता वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है, अत्यधिक लोचदार होती है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके चैप्टर 4 और 5 के VBI ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उम्मीद है आपने सारे प्रश्न कर लिए होइएगा। ओके, तो दोस्तों इससे ज़्यादा बिल्कुल मत पढ़िएगा, काफ़ी इतना क्वेश्चन है सेकेंड 4 चैप्टर के लिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए।